यूपी के छठवें चरण का प्रचार समाप्त हो गया है। अब सातवें चरण के लिए सियासी दल के दिग्गज अपना पूरा दम लगा रहे हैं। मिशन पूर्वांचल पर निकले सपा प्रमुख अखिलेश यादव धुआंधार रैली कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने जौनपुर में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जौनपुर की जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन काम और वादों को देखें तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी बीजेपी ही नजर आएगी। बीजेपी ने देश के हर एक नागरिक से झूठ बोला है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोगों से झूठ बोलने का काम किया है। इस सरकार ने इतनी महंगाई बढ़ाई कि जनता की कमर ही तोड़ दी। जब पिछली बार वोट चाहिए था तो इन्होंने फ्री सिलेंडर बांटे थे, आज जब वोट मांगने आए हैं तो बताओ सिलेंडर का रेट क्या है। बीजेपी की सरकार अगर सत्ता में आ गई तो 200 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधने के साथ साथ अखिलेश ने अपनी जीत का भी दावा किया है। अखिलेश ने कहा कि मैं यहाँ कहकर जा रहा हूँ कि सपा की सरकार आएगी तो ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जिससे यहाँ के गरीबों को निशुल्क इलाज यहीं पर मिल सके। मैं पहली बार में देख रहा हूँ कि जनता चुनाव लड़ रही है, सपा के पक्ष में धुआंधार वोटिंग होने जा रही है। इस बार सपा की हवा चल रही है, धुआं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे।